पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। तेरी राधा बनू बनू ना बनू, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं। ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। प्यार होता नहीं तो होता क्या, न जाने कब मोहब्बत जान लेवा खेल हो जाए, तमन्ना घर बसाने की हो लेकिन जेल हो जाए। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। हमारे मंच की सजावट देखकर मुझे नहीं लगता आगे बताने की जरूरत है कि हम इस मंच पर क्यों मौजूद हैं, और अगर आप चेहरों को देख लें तो आप ये भी नहीं पूछेंगे कि भाई मुद्दा क्या है यहाँ पर। वैसे भी कवि सम्मेलन में मुद्दा कहाँ होता है, दिल की बात होती है, वही दिल की बात यहाँ पर भी होगी। तो एक एक कर मैं आमंत्रित करूंगी यहाँ पर। और हाँ, हमारे यहाँ पर मौजूद युवाओं को देख कर भी आप समझ लीजिए कि दिलों का त्यौहार ही होगा जिसे हम मनाने जा रहे हैं यहाँ पर। हालांकि साथ साथ ये भी एक दे दे कि हमारा वैलेंटाइंस डे से कोई लेना देना नहीं है, वैसे भी इस बार शिवरात्रि और वैलेंटाइंस डे साथ साथ हैं। तो जो त्योहार समझना है समझकर मना लीजिए, क्योंकि यहां पर मंच हमने आपके लिए सजा दिया है। अच्छा, पहली दो पंक्तियां मैं पढ़ूंगी और मंच पर ही कोई है जिनकी पंक्तियां मैं पढ़ रही हूं। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा सा साथ दे तो और बात है। मैं आमंत्रित करूंगी उस शख्स को इस वक्त स्टेज पर जिन्हें मैं कहूं कि हिंदी साहित्य के हस्ताक्षर कवि हैं तो गलत नहीं होगा। उनकी कविताओं की पंक्तियों को लेकर न जाने कितनों ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। स्वागत कीजिए डॉक्टर कुंवर बेचैन। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, शुभकामनाएं। जिस मौके के लिए, इस कार्यक्रम के लिए बुलाया गया है, मैं ये मानता हूँ कि जिंदगी में सबसे बड़ी चीज अगर कोई है तो प्रेम है। व्यक्ति के जीवन में यदि प्रेम नहीं है तो सूना सूना सा लगता है। अभी जो पंक्तियाँ कही भी गई थी मेरी ही पंक्तियाँ थी। पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है, पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, रिश्तों की बात कहता हूँ। चलने को एक पाँव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है। मित्रों, मेरी एक मान्यता ये भी रही है कि प्रेम की सच्ची कसौटी अगर कोई है तो है प्रतीक्षा, इंतजार। जो इंतजार नहीं कर सकता, वास्तव में प्रेम माना उतावलापन तो होता है प्रेम में, लेकिन फिर भी एक इंतजार की आवश्यकता होती है। तो कहता हूँ सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के ढलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया, दिल मोम का है फिर भी पिघलने नहीं दिया। चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, चेहरे को आज तक भी तेरा इंतजार है, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, हमने गुलाल और को मलने नहीं दिया, सांचे में हमने और के
सावन में वो नाए तो मैंने यही किया, सावन में वो नाए तो मैंने यही किया, झूले पे उनका नाम लिखा और झूला दिया, झूले पे उनका नाम लिखा। एक गीत और प्रस्तुत करता हूँ। केवल व्यक्ति ही आपस में प्रेम नहीं करते, ये प्रकृति भी करती है। पर्वत पर शिखरों पर रहने वाली नदी, वो भी समुद्र से मिलना चाहती है, वो भी समुद्र की प्रेमिका है, और उसके लिए समुद्र जो है एक प्रेमी की तरह से है। पर्वत के शिखरों से उतर करके धरती से होते हुए वो पहुँच जाती है समुद्र के पास और कुछ कहती है। जो वो कुछ कहती है मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या कहा उसने। इसमें एक शब्द आता है रुबाई, एक छंद का नाम है, सभी जानते हैं। उन सौंदर्य की प्रेम की बात कही जाती है, तो नदी को एक प्रेमिका के रूप में माने, समुद्र को एक प्रेमी के रूप में माने और ये गीत मेरा सुने। चार पंक्तियां उस गीत से पहले कहता हूँ। जब न सागर के घर गई नदियाँ, रास्ते में ही मर गई नदियाँ, तुम ना उतरे जमीन पर छत से, तुम ना उतरे जमीन पर छत से, पर्वतों से उतर गई नदियाँ, पर्वतों से उतर गई नदियाँ। अब क्या कहती है नदी समुद्र से, सुनिए। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से, उससे पूछा तुम क्यों उतर रही हो पर्वत के शिखरों से, जवाब देती है देखिएगा। नदी बोली समंदर से मुझे ऊंचाइयों का वो अकेलापन नहीं भाया, लहर होते हुए भी तो मेरा आंचल न लहराया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, मुझे बांधे रही ठंडे बर्फ की रेशमी काया, बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर, बड़ी मुश्किल से बन निर्झर उतर पाई मैं धरती पर, छुपा कर रख मुझे सागर पसीने की कमाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से, बहुत से बाधाएं आई, उन बाधाओं को पार करते हुए समुद्र के पास आती है। सुनिएगा कौन कौन सी बाधाएं थी। नदी बोली समंदर से मुझे पत्थर कभी उन घाटियों के प्यार ने रोका, कभी कलियों कभी फूलों भरे त्योहार ने रोका, कभी कलियों कभी फूलों भरे त्योहार ने रोका, मुझे कर्तव्य से ज्यादा किसी अधिकार ने रोका, मुझे कर्तव्य से ज्यादा किसी अधिकार ने रोका, मगर मैं रुक नहीं पाई मैं तेरे घर चली आई, मगर मैं रुक नहीं पाई मैं तेरे घर चली आई, मैं धड़कन हूँ मैं अंगड़ाई तेरे दिल में समाई हूँ। नदी बोली समंदर से। अंतिम छंद प्रस्तुत करता हूँ। इसी छंद की वजह से गीत पसंद किया जाता है और भी ज़्यादा। नदी बहती जा रही है, आसमान में चंद्रमा और तारे हैं, उनका प्रतिबिंब उनकी शेडो उनकी छाया पड़ रही है नदी में, तो मैंने नदी को दुल्हन के रूप में सजाने की कोशिश की है। कैसा सजा पाया हूँ देखिएगा। इस अंतिम छंद की अंतिम पंक्ति पर विशेष ध्यान चाहूँगा। इसमें माँ सरस्वती ने मेरी झोली में एक ऐसी उपमा डाल दी, एक ऐसी सिमिली डाल दी जिसके कारण से गीत पसंद किया जाता है। सुनिएगा।
नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भी गा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से पहन कर चांद की नथुनी, सितारों से भरा आंचल, पहन कर चांद की नथुनी, सितारों से भरा आंचल, नए जल की नई बूंदें, नए घुंघरू नई पायल, नए जल की नई बूंदें, नए घुंघरू नई पायल, नया झूमर नई टिकुली, नई बिंदिया नया काजल, नया झूमर नई टिकुली, नई बिंदिया नया काजल, पहन आई मैं हर गहना ये तेरे साथ ही रहना, पहन आई मैं हर गहना ये तेरे साथ ही रहना, पहन आई मैं हर गहना ये तेरे साथ ही रहना, लहर की चूड़ियां पहना मैं पानी की कलाई हूँ। नदी बोली समंदर से मैं तेरे पास आई हूँ, मुझे भीगा मेरे शायर मैं तेरी ही रुबाई हूँ। नदी बोली समंदर से, नदी बोली समंदर से, नदी बोली समंदर से। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकृति से भी इतना सुंदर श्रृंगार हो सकता है, ये इन पंक्तियों को सुनने के बाद सबको समझ में आया होगा। बहुत धन्यवाद। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी इन दो पंक्तियों के साथ। अब तो हद से गुजर के देखेंगे, कुछ नया काम करके देखेंगे। स्वागत कीजिए डॉक्टर सरिता शर्मा का। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम, भारत का नाम उन्होंने रोशन किया, अब थोड़ी सी रोशनी हमारे इस मंच पर। श्वेता जी ने मेरे एक बड़े पसंदीदा मुक्तक की दो पंक्तियां कहीं, मैं उस बात को पूरा करते हुए अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ कि अब तो हद से गुजर के देखेंगे, प्रेम की क्या सीमा हो सकती है, क्या पराकाष्ठा हो सकती है, कि अब तो हद से गुजर के देखेंगे, कुछ नया काम करके देखेंगे, और जिसकी बाहों में जी नहीं पाए उसकी बाहों में मर के देखेंगे, जिसकी बाहों में जी नहीं पाए उसकी बाहों में मर के देखेंगे। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आँखों का नूर हो जाऊं, तेरी राधा बनू बनू न बनू, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं। और चार पंक्तियां और, कि प्राण को प्रीत से सवारो तो तुम अहंकार मन के मारो तो, श्याम वैकुंठ छोड़ आएंगे द्रौपदी की तरह पुकारो तो, द्रौपदी की तरह पुकारो तो। और कुछ भी कहिए, ये मौसम तो प्रेम का ही मौसम है। अब चाहे जैसी बातें होती हों, हमारे देश में तो फागुन का पूरा महीना वसंत पंचमी से प्रेम का मौसम माना जाता है। हम गांव की मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं तो हम जानते हैं फागुन का मतलब क्या होता है, वसंत का मतलब क्या होता है। इसी तरह का कुछ पढ़ूंगी आपके बीच में। चार पंक्तियां सुनिएगा, एक बिरही के मन की चार पंक्तियां सुनिएगा इस मौसम में, सुनिएगा। कि अधखिली रात रानी अधूरी लगी, अधखिली रात रानी अधूरी लगी, हर कथा हर कहानी अधूरी लगी, काटनी थी उम्र काट आए मगर, बिन तेरे जिंदगानी अधूरी लगी, बिन तेरे जिंदगानी। कि डायरी में कोई प्यार का खत नहीं, डायरी में कोई प्यार का खत नहीं, एक तेरे सिवा कोई चाहत नहीं, तेरी यादों ने इत
इतना उजाला किया, अब चिरागों की कोई जरूरत नहीं, अब चिरागों की। एक गजल का एक मतलब और एक शेर पढ़ती हूं जो प्रेम को कहीं अभिव्यक्त करने की कोशिश में हुए, सुनिएगा। चार पंक्तियां पहले सुनिएगा। सब प्रेम को लेकर तमाम तरह की बातें होती हैं, तमाम तरह की व्याख्याएं होती हैं, परिभाषाएं दी जाती हैं, अभी आप मंच से सुनेंगे बहुत कुछ, लेकिन मुझे क्या लगता है कि प्रेम है क्या, जिसे मैं गाने की कोशिश करती हूं कि है कभी पीड़ा कभी आनंद है, है कभी पीड़ा कभी आनंद है, प्राण से यह प्राण का अनुबंध है, और देह कैसे गा सकेगी प्रेम को, प्रेम केवल आत्मा का छंद है, प्रेम केवल आत्मा का छंद है। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ, तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ, मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है, आप सबकी आंखों में रहती होगी, मेरी आंखों के आईने में एक तस्वीर रहती है, न धुंधला जाए उसके रंग में रोने से डरती हूँ, न धुंधला जाए उसके रंग में रोने से डरती हूँ, मैं तन्हाई में भी। हम भी इन मोतियों को पिरोते हुए ही आगे बढ़ते हैं, और अब जिन्हें मैं स्टेज पर बुलाने वाली हूँ, मैं माइक तक बुलाने वाली हूँ, दरअसल उन्हें प्रेम की पाठशाला भी कहा जाता है। 3 दशक से उनकी जो आवाज की मिठास है उसने बहुत लोगों को बहुत कुछ सिखाया है। अगर आपने प्रत्यक्ष कभी सुना ना हो तो आज जरूर उन्हें सुने, और उनकी भी 2 पंक्तियां मैं पढ़ना चाहूंगी जिसके साथ मैं निमंत्रण उन्हें देती हूं। द्वार जब दिल के खोल देती हो, सच में मिश्री से घोल देती हो, तो आइए डॉक्टर विष्णु सक्सेना आप भी मिश्री घोलिए यहां। प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं, प्यास बुझ जाए तो शबनम खरीद सकता हूं, जख्म मिल जाए तो मरहम खरीद सकता हूं, ये मानता हूं मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, ये मानता हूँ मैं दौलत नहीं कमा पाया, मगर तुम्हारा हर एक गम खरीद सकता हूँ। जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, जब भी कहते हो आप हमसे कि अब चलते हैं, हमारी आंख से आंसू नहीं संभलते हैं, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, अब न कहना कि संग दिल कभी नहीं रोते, जितने दरिया हैं पहाड़ों से ही निकलते हैं,
एक मुक्तक और अच्छा याद आ रहा है मुझे, सुनाता हूँ। सरिता जी बहुत अच्छा माहौल बना के गई हैं। सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, सोचता था कि मैं तुम गिर के संभल जाओगे, रोशनी बन के अंधेरों को निगल जाओगे। न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, न तो मौसम थे न हालात न तारीख न दिन, किसे पता था कि तुम ऐसे बदल जाओगे। सुनाना कुछ और चाहता था लेकिन आज थीम पूरी गुलाबी है, सीढ़ियाँ गुलाबी हैं, हमारे बैलून गुलाबी हैं और सरिता जी गुलाबी हैं। तो और श्वेता जी भी, ये कट कर दीजिएगा। मैं भी जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था उस समय का गीत लिखा हुआ है, वो सुनाता हूँ आपको। मैं भी अपने विद्यार्थी जीवन का गीत, बहुत आसान गीत है, बस मेरे साथ रहिएगा। आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले, पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे, पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे, क्या पता फिर ये चंदन मिले ना मिले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देखूं। जब मिले तुम तो ऐसा लगा एक पल, सारी खुशियाँ जहाँ की हमें मिल गई, जाने कैसी हवा बह चली उस घड़ी, गिर के सूखी हुई सब कली खिल गई, गिर के सूखी हुई सब कली खिल गई। और ये पंक्ति आप सबके लिए कि छू के देखो जरा अनछुए फूल को, ऐसा कुछ नहीं है। कि छू के देखो जरा अनछुए फूल को, क्या पता फिर ये मधुबन मिले ना मिले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं। पहुँच कर जिनको दामन भिगोती थी तुम, है तुम्हें मेरे उन आंसुओं की कसम, पहुँच कर जिनको दामन भिगोती थी तुम, है तुम्हें मेरे उन आंसुओं की कसम, छाँव देकर के तुम ढांपती थी जिन्हें, है तुम्हारे उन्हीं गेसुओं की कसम, है तुम्हारे उन्हीं गेसुओं की कसम। एक झूले पे दो हम चलो झूल लें, एक झूले पे दो हम चलो झूल ले, क्या पता फिर ये सावन मिले ना मिले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं। नायिका कहती मेरी बातें कुछ समझ में नहीं आई, तो नायिका इन चार पंक्तियों में उत्तर देखेगा। मेरी बहकी सी बातें अगर हैं तो फिर, मेरी बहकी सी बातें अगर हैं तो फिर, भोले चेहरे का रंग क्यों शराबी हुआ, मेरी बहकी सी बातें अगर हैं तो फिर,
भोले चेहरे का रंग क्यों शराबी हुआ, ना ही बरसात है ना ही बरसात है, फिर ये चेहरे का रंग क्यों गुलाबी हुआ, फिर ये चेहरे का रंग क्यों गुलाबी हुआ। और लांघना मत कभी देहरी प्यार में, कविता का काम होता है मैसेज छोड़ना, मैं मैसेज छोड़ता हूँ कि लांघना ना कभी देहरी प्यार में, चाहे मीरा को मोहन मिले ना मिले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं, क्या पता फिर ये दर्पण मिले ना मिले, पास आ तन की गंधों को दे दो मुझे, क्या पता फिर ये चंदन मिले ना मिले, आओ एक बार फिर से तुम्हें देख लूं। मंच से निकलकर चेहरों का रंग गुलाबी हो रहा है अब, और मुझे साथ साथ में गुनगुनाने वाले लोग मिल रहे थे, मुझे लगा याद कर रहे हैं, धीरे धीरे मैसेजेस भी जाएंगे। अब जिन्हें अगला मैं बुलाना चाहूंगी हम सब के सामने, यहां हम सब के बीच में, दरअसल गीतों से उनका परिचय उनके दादाजी के समय से रहा है, एक राष्ट्रीय कवि की बेटी, उस परंपरा को आगे बढ़ाती हुई आपकी भी दो पंक्तियां मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी इससे पहले कि जब तक आप यहां पर चलकर मंच पर आए, उसको मेरा मलाल है अब भी, चलिए कुछ तो ख्याल है अब भी, सोनू रूपा विशाल जी। चूंकि आज प्रेम का संदर्भ है, प्रेम का प्रसंग है, तो चार पंक्तियां प्रेम के महत्व और जरूरत की आप सबके बीच पढ़ना चाहती हूं। जो मिला ही नहीं वो खोता क्या, जो मिला ही नहीं वो खोता क्या, कोई बंजर जमीन पे बोता क्या, प्यार है तो है ये जहां कायम, प्यार होता नहीं तो होता क्या, प्यार होता नहीं तो होता क्या। और एक गजल के कुछ अशार आप सबको नजर करती हूं। तमन्नाएं ठिकाना चाहती है, तमन्नाएं ठिकाना चाहती है, तेरे पहलू में आना चाहती है, तमन्नाएं ठिकाना चाहती है। और अगले शेर में एक शब्द आएगा आबोदाना, उसका मतलब है दाना पानी। जरा नजदीक आकर बैठिएगा, जरा नजदीक आकर बैठिएगा, ये आंखें आबोदाना चाहती हैं, ये आंखें आबोदाना चाहती हैं। और एक शेर खास तौर पर आप सबके लिए, क्योंकि युवाएं यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमें पढ़ने की चाहत और कुछ है, हमें पढ़ने की चाहत और कुछ है, किताबें कुछ पढ़ाना चाहती हैं, किताबें कुछ पढ़ाना चाहती हैं, तमन्नाएं ठिकाना चाहती हैं। और एक गीत में एक समर्पण और विश्वास का आप सबके बीच पढ़ना चाहती हूँ, उससे पहले मैं चार पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ।
कि जो परिचित हो गया उसको अपरिचित कर नहीं पाए, जो परिचित हो गया उसको अपरिचित कर नहीं पाए, कि हम एहसास के सागर को सीमित कर नहीं पाए। तुम्हें हम भूल जाएं ये तुम्हारी राय थी, लेकिन तुम्हारे साथ गुजरे पल विसर्जित कर नहीं पाए, तुम्हारे साथ गुजरे पल विसर्जित कर नहीं पाए। क्योंकि आजकल का जो वक्त है उसमें ऐसे समर्पण और विश्वास का कौन बातें करता, बहुत बेमानी हो चुकी हैं बातें, क्योंकि आजकल फेसबुक और व्हाट्सएप का युग है। अगर ब्लू टिक हो जाए और सामने से कोई रिप्लाई ना है तो ब्रेकअप की स्थितियां पैदा हो जाती हैं। लेकिन चूंकि ये मंच है, कवि सम्मेलन का मंच होता है, वो एक मैसेज देता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं जो गीत पढ़ूँ उसमें समर्पण और विश्वास की बात हो, आप सबके बीच रखती हूँ। कोई जोगी तुझको मुझसा प्रेम सिखाए, कोई जोगी तुझको मुझसा प्रेम सिखाए, कोई जोगी तुझको मुझसा प्रेम सिखाए, कोई जोगी तुझको मुझसा प्रेम सिखाए। मेरा बैरी चांद तुझे भी सारी रात जगाए, कोई जोगी तुझको मुझसा प्रेम सिखाए, कोई जोगी तुझको मुझसा प्रेम सिखाए। जो मेरे गीत की जो नायिका है उसकी यही शिकायत है कि जो उसका प्रेमी है वो समर्पण से प्यार नहीं करता, तब वो क्या कहती है, वो कैसा प्रेम करती है, कि यादों में तेरी शहनाई, सांसों में तेरी पुरवाई, खुद में ही खोई रहती हूँ, कुछ कहना है कुछ कहती हूँ, प्रेम हिंडोला झूल रही हूँ, बाकी सब कुछ भूल रही हूँ। अपना ये प्रतिबिंब तनिक भी तुझ में नजर ना आए, कोई जोगी तुझको मुझसा प्रेम सिखाए, कोई जोगी तुझको मुझसा प्रेम सिखाए। और वो कैसा हो जाना चाहती है, प्रेम एक रूप एक रंग हो जाना चाहती है, तब वो क्या कहती है, कि मरुथल में छाई बदली से कान्हा की पावन मुरली से, मरुथल में छाई बदली से कान्हा की पावन मुरली से, जैसे चंदा और चांदनी, जैसे सूरज और रोशनी, जैसे जैसे चंदा और चांदनी, जैसे सूरज और रोशनी, हम कबीरा के सबद रमैनी, एक डाली के हम हो टहनी, इन कौरी अभिलाषाओं का ब्याह कोई करवाए, कोई जोगी तुझको मुझसा प्रेम सिखाए, कोई जोगी तुझको मुझसा प्रेम सिखाए। और अंत में जब उसकी ये ख्वाहिश ये हसरतें जब पूरी हो जाती हैं तब वो क्या कहती है, दो थे अब हम हुए इकाई, दो थे अब हम हुए इकाई, तन्हाई लगती मुरझाई, छुट्टी पर है माँ बस रातें, शक्कर सी हैं सारी बातें, महक रहे हैं फुलवारी से, जीत गए हर लाचारी से, क्षिति जल पावक गगन पवन ये मिलन देख हर शाये, कोई जोगी तुझको मुझसा प्रेम सिखाए, कोई जोगी तुझको मुझसा प्रेम सिखाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम में समर्पण, ये भाव भले ही कम होता जाए लेकिन जितना भी रहता है ना, प्रेम की असली सुंदरता इसी में रहती है। लेकिन अब हम मोहब्बत को चुटीले अंदाज में सुनाने वाले कवि को आमंत्रित करेंगे। बहुत प्यार मोहब्बत की बातें बहुत हुई हैं, लेकिन प्यार को एक दूसरी दृष्टि से भी तो देखना होता है। बहुत होते हैं वैसे हमारे बीच, और कई बार होता है ना, जब ट्रेजेडी में कॉमेडी हमें ढूंढ लेनी चाहिए, जब बहुत ज्यादा दिल का दर्द सहा नहीं जाए तो हंसी में उसे उड़ाते चलो। स्वागत कीजिए सुदीप भोला जी का। सबसे पहले तो आप सभी को वैलेंटाइन महापर्व की शुभकामनाएं देता हूं। और आज तक को इसलिए धन्यवाद कि आज महाशिवरात्रि भी है तो आपने भोले को बुला लिया, तो बहुत 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 अनोखे अनोखे और इतनी शिष्ट और विशिष्ट गीत हो चुके हैं
और मुझे नहीं लगता कि मैं भी आपको उसी प्रकार को सुना पाऊंगा, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। मैं सही बता रहा हूँ, अब तो हमारा युग बदल गया है, सारा युवा बैठा हुआ है मेरे सामने, हमारा युग बदल गया है। मैं तो एक चुटकुला याद आ गया श्वेता जी, मुझे पुराना था, बड़ा घिसा पिटा चुटकुला है लेकिन याद आ गया। वो एक दादाजी थे हमारे, हमने दादाजी से पूछा, हमने कहा दादाजी आपके समय तो व्हाट्सएप भी नहीं था, फेसबुक भी नहीं था, फिर अगर आपको दादी से प्रेम करना होता था, बुलाना होता था, तो क्या करते थे? तो दादाजी ने कहा बेटे मैं हरिद्वार गया था, वहाँ से घंटी ले आया था। तो जब कभी दादी को बुलाना होता था तो मैं वो घंटी बजा देता था। तो मैंने कहा अच्छा दादाजी एक बात बताइए, अगर दादी को मिलना होता था तो? तो कहने लगी बेटे वो तो हर आधे घंटे में आके यही पूछती थी क्यों जी घंटी बजाई क्या। लेकिन ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे भी एक ही बार मोहब्बत हुई जीवन में, मेरी गर्लफ्रेंड मेरी घरवाली हो गई। एक दिन कहने लगी कभी गंभीर हो जाया करो, प्यार मोहब्बत में भी, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं तुम उसमें भी हंसी ढूंढते हो, हाथ से ढूंढते रहते हो, कभी तो गंभीर हो जाया करो। मैंने कहा हो तो चुका हूँ दो बार गंभीर। पहली बेटी 7 साल की, दूसरी 9 साल की है। तो ज़्यादा गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये लड़कों, जितने भी ये लड़के हंस रहे हैं, अच्छा मुझे यहाँ पे हंसी ऐसी आ रही है, मुझे भी आपकी हंसी सुनकर के जो है वो वाली फीलिंग आ रही है जैसे रामायण में हंसी सुन के आया करती थी। सुनिए मैं लड़कों को एक एडवाइस दे देता हूँ, बड़ा भाई समझ के मान लेना, नहीं मानो तुम्हारी मर्जी। कि न जाने कब मोहब्बत जान लेवा खेल हो जाए, न जाने कब मोहब्बत जान लेवा खेल हो जाए, तमन्ना घर बसाने की हो लेकिन जेल हो जाए। और हसीनों से जरा चैटिंग संभल कर तुम करो लड़को, हसीनों से जरा चैटिंग संभल कर तुम करो लड़को, न जाने किस घड़ी वो जल परी ब्लू व्हेल हो जाए। मेरे ख्वाबों में रब ने एक लड़की बेस्ट भेजी है, जोर से आहा हो करते हैं। मेरे ख्वाबों में रब ने एक लड़की बेस्ट भेजी है, कसम मजनू की अपने वास्ते परफेक्ट भेजी है। मगर मेरे मैसेज मगर वो इस तरह इग्नोर करती है। देखो ऐसा ही मेरा दिल भी ऐसे ही करता, मगर मैसेज वो मेरे इस तरह इग्नोर करती है कि मानो कैंडी क्रश की हमने वो रिक्वेस्ट भेजी है। एक मैं भी आपको सुनाता हूं, बिल्कुल अपने समय का सुनाता हूं, सुनिएगा। तरम 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 तरम, देखो ये प्रेम का सस्पेंस देखो। भाई अपन इससे ज्यादा गंभीर हो ही नहीं सकते। तरम 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 ढा ढा ढा, तरम तरम। अरे जानने कैसा दौर है कि दौड़ है, एक दूसरे से तेज भागने की होड़ है, नाम जिंदगी है मगर जिंदगी है कम, जानने कैसी जिंदगी ये जी रहे हैं हम। धर्म करम धर्म करम खत्म, ढा ढा ढा। तरम तरम, अरे कैसे कैसे आ गए हैं सॉन्ग आइटम, नारियंति धारियंति वस्त्र न्यूनतम, ना हया न लाज है न शेष है शरम,
उनको देख कर लगे वो आत्मघाती बम 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 धड़म 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 गरम गरम खत्म। अभी नहीं हुई। अब मैं आपके प्रेम की बात बताता हूँ कि फ्लर्टिंग में चैटिंग में सेटिंग में मस्त है, देश का भविष्य अभी डेटिंग में व्यस्त है। संस्कारों का तो कर दिया क्रियाकर्म और बचपने में है जवानी वाले कार्यक्रम। कम 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 शरम वरम खत्म स्वयं वरम कविता खत्म। आजकल पूरी दुनिया में नफरत इतनी है, खासकर सोशल मीडिया, जिस पर जैसे ही आप जाइए देखेंगे गाली, अगर चार तारीफ है तो 10 गालियां उसमें सुनने को मिलती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि चाहे किसी भी सभ्यता किसी भी संस्कृति में मोहब्बत का त्योहार हो, चाहे हम फागुन का महीना मना रहे हो यहां पर या फिर वैलेंटाइंस वीक मना रहे हो, लेकिन जब भी मौका मिलता है कुछ ना कुछ सकारात्मक जरूर कर लेना चाहिए। तो यही हमारे इस मंच की कोशिश थी, उम्मीद है दिल दिल तक बात पहुंची होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत धन्यवाद आप सबका भी। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।